think as far as the role is concerned, ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म. और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया, इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बाजमी. अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला. और नाना सर के साथ टैक्सी 9-2-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आध और फिल्म में. सो द केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल, और इन सब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया, आई थिंक इज़ रियली रियली स्पेशल. देखिए, एक तो अच्छा हिस्ट्री लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, हर साल मैं करूँगा तो आपको भी बोर करूँगा और ख़ुद भी बोर हो जाऊँगा। तो काफ़ी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला, और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज़ साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर है, तो करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है, ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला, अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूँगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है, और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन 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 जॉन, यस, नाना सर इज सेइंग समथिंग। नहीं, एक ही सिक्के के दो दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर. तो कह रहे जॉन,